शिव समार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज दिनांक 9 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में पुनीत राजकुमार जी का निधन हो गया था, आपको पता है दोस्तों। कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार है पुनीत राजकुमार जी, अभी उन्हीं को ही बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अभी दोस्तों उनको मरणोपरांत ब्रह्मुट्ट के द्वारा बसवश्री पुरस्कार 2021 दिया जाएगा दोस्तों। यह पुरस्कार भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करके लोगों के उनके संबंधित क्षेत्रों में समाज के सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है दोस्तों। तो हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। इससे पहले 2009 में पीटी उषा जी को दिया गया था यह पुरस्कार, और सन 2014 में मलाला यूसुफ जाही जी को मिला था दोस्तों यह पुरस्कार, और 2016 में पी साईनाथ को मिला था दोस्तों बसवश्री पुरस्कार, और 2020 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को मिला था दोस्तों बसवश्री पुरस्कार 2021। तो दोस्तों हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूरोपियन यूनियन का सखारोह पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था अलेक्सी नवलनी जी को, और दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को 22वां लाल बहादुर शास्त्री नेशनल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, और एस वी सरस्वती जी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2021 में सम्मानित की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों त्रिपुरा के बाम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के साथ मिलकर क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी मानक प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया है दोस्तों। और दोस्तों इन बल्ले का इस्तेमाल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में किया जा सकता है दोस्तों। यह बैट हार्ड बूम बांस से बना है, और विकेट्स यानी कि स्टंप्स कंचाइन बांस से बनाई गई है। बूम बांस और कंचाइन बांस यह स्थानिक बांसों के नाम है दोस्तों। और दोस्तों वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाते हैं, 18 सितंबर को। और दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है दोस्तों। और दोस्तों आपको याद होगा कि प्रोजेक्ट बोल्ड यानी कि राजस्थान के जोधपुर में शुरू किया था दोस्तों केवीआईसी ने दोस्तों, जहां पे बांबू के पेड़ दोस्तों लगाए गए थे। और बात अभी त्रिपुरा की है राजधानी अगरतला, यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव, और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या जी। और दोस्तों पहले से याद आया, कौन सा दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया, तो अल सल्वाडोर है दोस्तों। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात की है। भारत का पहला ग्रेनेटियम गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में शुरू किया गया। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के तिरुवनंतपुरम में खुली जाएगी, और पहला डॉग पार्क पंजाब के चंडीगढ़ में खोला जाएगा। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप्स बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा, चंबल और लाहौल के बने हुए मोजे को जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौली भी इससे हुए बने हुए मोजो और दस्ताने और चंबा चंबल को जीआई टैग मिला है दोस्तों। यह मोजे दस्ताने स्थानीय भेड़ के उनसे बने जाते हैं दोस्तों, जबकि चंबा चंबल स्थानीय रूप से बने चमड़े से तैयार किया जाता है दोस्तों, जिसको अभी अभी जीआई टैग मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चंबल और लाहौल के बने हुए दस्ताने और मोजों को जीआई टैग मिला है दोस्तों। बात अभी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की दो दो कैपिटल है दोस्तों, समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, और शिमला में ही बनाने जा रहा है फर्स्ट स्की पार्क, और यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, और यहाँ के नए गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और दोस्तों ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही था। वज्र प्रहार बकलो में दोस्तों किया था अपन ने यूएसए के साथ एक्सरसाइज, और मॉन्ग फ्रूट की खेती करने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य पहला देश बन गया था दोस्तों भारत में। और दोस्तों कुल्लू में ही शुरू की थी मॉन्ग फ्रूट की खेती। 100% एलपीजी कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में ही है। और दोस्तों 100% अडल्टों का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण तरीके से इसको सम्मानित किया है दोस्तों। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही अटल टनल है जिसके 9.02 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे नाटी और डांगी नृत्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे ऊंचा चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन कासा में शुरू किया गया, और आयुष हरिद्वार योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की थी। बुनकर सेवा व डिज़ाइन संसाधन केंद्र कुल्लू में खोली जाएगी दोस्तों। और भारत में पहली बार हिंग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल में शुरू की जाएगी। और दोस्तों दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है दोस्तों। और दोस्तों 100% वैक्सीनेशन वाला जिला, दोनों डोज कंप्लीट होने वाला जिला कुन्नूर जिला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा, चंपल और लाहौल के बने हुए मोजे दस्ताने को जीआई टैग मिला है दोस्तों।
और दोस्तों रिसेंटली कुछ प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है उनके बारे में जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो केरला के एड्डूर मिर्च और कुट्टूर आम को GI टैग मिला था, महाराष्ट्र के वाड़ा चावल कोलम को वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला था, और दोस्तों महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भी GI टैग मिला था, और दोस्तों MP के चिन्नौर चावल को भी GI टैग मिला था, और दोस्तों सरबजा और सरपुरिया जो कि वेस्ट बंगाल के स्वीट्स है दोस्तों मिठाई है उसको भी अभी अभी GI टैग मिला था, और दोस्तों स्वीट कुकुम्बर को नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को GI टैग मिला था, राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला था, असम के जुडिमा राइस वाइन को GI टैग मिला था दोस्तों। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा चंपल और लाहौल के बने हुए मोज़े और दस्तानों को GI टैग मिला है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों प्रियंका मोहिते 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों प्रियंका मोहिते जी को। तो दोस्तों महाराष्ट्र के 28 साल की पर्वतारोही है दोस्तों प्रियंका मोहिते, अभी हाल ही में इनको ही 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा भूमि साहसिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली यह पहली भारतीय महिला है दोस्तों। और दोस्तों 2020 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार है यह 7 लोगों को दिया गया है दोस्तों। तो प्रियंका मोहिते जी एक है उसमें से, और दूसरे है दोस्तों बाकी के 6 लोग हैं दोस्तों, जयप्रकाश कुमार जी, शीतल जी जो कि एक पर्वतारोही है, और दोस्तों अमित बिष्ट जी है, श्रीकांत विश्वनाथन, सर्वेश गढ़वाल जी और जय किशन, इन 7 लोगों को तेंजिंग नॉर्गे नेशनल माउंटेनियर एडवेंचर अवार्ड दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 1994 में इसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में सन 2002 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कर दिया गया है दोस्तों। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में अभी दिया जाता है दोस्तों यह अवार्ड। और वह तेंजिंग नॉर्गे यह एक नेपाली पर्वतारोही थे जो कि न्यूजीलैंड के एडमंड डिलरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले थे दोस्तों। और यह पुरस्कार भूमि समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों, जो कि अर्जुन पुरस्कार के बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों प्रियंका मोहिते जी को 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों, और बाकी के 7 लोग भी मैंने आपको बता दिए दोस्तों। दोस्तों अभी शहरोज काशिप जी जो कि पाकिस्तान के सबसे ऊंचा युवा पर्वतारोही थे, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले बछेंद्री पाल जी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी, अरुणिमा सिन्हा जी पहली भारतीय दिव्यांग महिला माउंट एवरेस्ट को पार करने वाली दोस्तों। तो अभी प्रियंका मोहिते जी को 2020 का नेशनल एडवेंचर अवार्ड यानी कि तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक को भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है दोस्तों। लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय जिन्होंने महान भारतीय फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के जीवन पर यह बुक लिखी है दोस्तों। तो दोस्तों भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने 2016 में पतंग, 2017 में हियर फॉल्स द शैडो, 2018 में द डिसअपियरेंस ऑफ सैली सिकेरा नामक बुक लिखी है दोस्तों। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक को भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग जी को असम में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों बंधन बैंक ने असम में फेमस असमिया और बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों। तो बात अभी बंधन बैंक की है तो बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में है दोस्तों, कोलकाता में है दोस्तों, और इसके MD CEO चंद्रशेखर घोष जी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने थे उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मनोज वाजपेयी जी फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, नीरज चोपड़ा जी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हेडक्वार्टर बन गए थे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर, और दोस्तों दीपिका पादुकोण जी एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, और दोस्तों भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज अली फिल्म डायरेक्टर बने थे, और दोस्तों रानी रामपाल और स्मृति मंधाना जी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दोस्तों मीराबाई चानू जी एमवे इंडिया स्टे इन प्ले बाय एडिडास अभियान और अमृतांजन हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, एक जिला एक प्रोडक्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी बन गए थे, और दोस्तों नारायण कार्तिकेय NJK एंटायर इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दोस्तों मैग्नस कार्लसन जी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों मास्टर कार्ड के, और दोस्तों अमिताभ बच्चन जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, रणवीर सिंह जी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म CoinSwitch कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों। तो बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग जी को असम में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों अपन
नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों। तो दोस्तों भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में शुरू किया गया दोस्तों यह, और यह दुनिया का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर मुंबई महाराष्ट्र में खोला जाएगा, जो कि एक मॉल की छत पर होगा दोस्तों। इस ओपन एयर थिएटर में शहर की सबसे बड़ी मूवी स्क्रीन होंगी दोस्तों। तो इसमें लोग अपनी खुद की कार मॉल के टॉप फ्लोर पर लेके जाएंगे और अपनी खुद की कार में ही मूवी का आनंद ले पाएंगे दोस्तों। यह थिएटर इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक टाइम पर 290 कार पार्क किए जा सकते हैं दोस्तों, और अपनी कारों में मूवी का मजा उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लद्दाख में दुनिया का चलता फिरता मूवी थिएटर खोला गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर्स जर्नी नामक किताब को प्रदीप मैगजीन जी ने लिखा है दोस्तों। क्रिकेट लेखक प्रदीप मैगजीन जी ने अभी हाल ही में नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर लाइफ नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। इस बुक में उन्होंने भारतीय क्रिकेट के जीवन के अनुभव, सामाजिक, राजनीतिक और उतार चढ़ाव के बारे में बातचीत की है दोस्तों। इन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी के अनुभव उनको इस बुक में साझा किया है दोस्तों। तो दोस्तों नॉट जस्ट क्रिकेट, रिपोर्टर्स जर्नी नामक पुस्तक को प्रदीप मैगजीन जी ने लिखा है दोस्तों। इनके तो नाम में ही मैगजीन है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जगुआर की फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनर बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS 2021-22 में जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियंस होगी, उससे पहले टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जगुआर रेसिंग में शामिल हो गई है दोस्तों। तो इस टीम को जगुआर TCS रेसिंग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगुआर दूसरे स्थान पर रहा था दोस्तों। तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जगुआर की फार्मूला ई टाइटल पार्टनर बन गई है दोस्तों। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना 1968 में हुई थी, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके अभी अभी CEO थे राजेश गोपीनाथन जी। और दोस्तों हाल ही में TVS मोटर्स को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 मिला था दोस्तों। तो हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जगुआर की फार्मूला ई टाइटल पार्टनर बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है दोस्तों। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। इसमें जो पेंशन भोगी है वो घर से ही वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे दोस्तों। और लगातार पेंशन पाने के लिए हर साल उन्हें 30 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अभी हाल फिलहाल में ही यह नौसेना के लिए ई कार्ड जारी किया था, जिसका नाम था नव ई कैश। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। और दोस्तों जिसके अभी करंटली अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा जी। और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल लेक पे फ्लोटिंग ATM शुरू किया था और सिम बाइंडिंग फीचर का भी इस्तेमाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों मुंबई कर्नाटक क्षेत्र जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलाका था और 1956 में वह कर्नाटक का हिस्सा बन गया था दोस्तों, तो अब इस क्षेत्र का नाम 19वीं सदी के शासक कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम पर रखा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रखा गया है दोस्तों। और हाल ही में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कल्याण कर्नाटका रख दिया था दोस्तों। और अभी अभी हाल ही में हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया था। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। और दोस्तों इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फेडरेशन कर दिया गया था। गो एयरलाइन का नाम बदलकर गो फर्स्ट कर दिया था। तो हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले राशिद खान सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान जी, उन्होंने ही अभी यह कारनामा कर दिया है दोस्तों। 400 T20 विकेट लेने वाले राशिद खान सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों UAE दुबई में चल रही T20 वर्ल्ड कप 2021 में सुपर 12 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने यह शिखर को फतेह किया, 400 विकेट के शिखर को फतेह किया दोस्तों इनको। और दोस्तों मार्टिन गप्तिल बन गए हैं राशिद खान के 400वें विकेट के शिकार दोस्तों, और 400 विकेट क्लब में शामिल होने वाले यह चौथे खिलाड़ी है दोस्तों। तो हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले राशिद खान सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों। तो यह थे दोस्तों आज दिनांक 9 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। अब एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो हाल ही में पुनीत राजकुमार जी को बसवश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। और हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने देश का पहला बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप बनाया है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा, चंपल और लाहौल के बने हुए मोजे और दस्ताने को जीआई टैग मिला है। और दोस्तों हाल ही में प्रियंका मोहिते जी को 2020 का तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक को भास्कर चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। और दोस्तों, बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग जी को असम में अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और हाल ही में भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। और दोस्तों, हाल ही में नॉट जस्ट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी नामक पुस्तक को प्रदीप मैगजीन जी ने लिखा है। दोस्तों, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS जैगवार की फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनर बन गई है। दोस्तों, और हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो लाइव सर्टिफिकेट सुविधा शुरू की है। दोस्तों, और हाल ही में मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक रखा गया है। दोस्तों, और दोस्तों, अपना लास्ट करंट अफेयर था आज का। हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले राशिद खान सबसे युवा खिलाड़ी बन गए थे। दोस्तों, यह थे दोस्तों 9 नवंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिविजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए दोस्तों। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दोस्तों, दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय शंकर महाराज। दोस्तों, जय शंकर।